ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा सीएम साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित युवा महोत्सव, जिसको मिथिला रोहन का नाम दिया गया है, उसका गुरुवार को तीसरा दिन रहा और तीसरे दिन भी कई जिलों से छात्र छात्राएं यहां डटी रही। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला लगा हुआ है। मंच के सामने निर्णायकों की टोली भी डटी हुई है, जो कल यानी अंतिम दिन बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करेगी। चार दिवसीय युवा महोत्सव चल रहा है सीएम साइंस कॉलेज में। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के आयोजन को देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। और कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, सब बच्चों को उम्मीद रहती है, वैसे ही हम लोगों को भी उम्मीद है कि हाँ कुछ ना कुछ प्राइज हमें भी मिलेगा। धन्यवाद। कहाँ आए, क्यों आए, किस लिए आए, क्या कहेंगे? मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी के लेवल पर युवा महोत्सव का आयोजन था, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने आए थे। और हम लोग जितने भी हैं सभी पीजी म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स एलएनएमयू के छात्र हैं। और अभी हम लोग का था फोक ऑर्केस्ट्रा का, मतलब कार्यक्रम चल रहा था, उसमें हम लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया है और अभी परफॉर्म करके तुरंत आए हैं। कितना दिनों से प्रोग्राम था और इससे पहले भी आप लोग प्रोग्राम कार्यक्रम में भाग लेते? 24 तक था, आज 23 है। कल सभी का पुरस्कार वितरण वगैरह का कार्यक्रम है। और मेरा नाम रघुवीर ठाकुर। We'll be right back.